Good morning, students. Students, today we learn about these subjects of environmental science. Block number 9, please. Knowing where you. Previous lecture में lesson number 1, 2 and 3 discuss किया था. In this lecture we study about the lesson number 4. Lesson number 4, importance of market. Student, Maharashtra has, first I read the lesson. Maharashtra has many big and small markets. Rural has or markets and weekly markets are set up in many places. The weekly markets sell all types of things, toys, utensils, food items and clothes. People who do not live near big markets buy things of daily use from these markets. Maharashtra is famous for its animal markets. Mainly donkey and horses are sold in these markets. Student, I explained, listen carefully. Maharashtra has many big or small markets. Maharashtra में क्या है कि बहुत से markets हैं, बहुत बड़े markets हैं, बहुत छोटे भी markets हैं. अब मार्केट से तो आपके सामने क्या नज़र आता है, आपके दिमाग में आता है कि हाँ फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, ये मार्केट्स. लेकिन अलग अलग भी मार्केट्स होते हैं, एनिमल्स के, एनिमल्स जहाँ पर बेचे जाते हैं उनके भी मार्केट्स होते हैं. पाइप का मार्केट होता है और आपके घर के जो थिंग्स है, घर में जो बना घर बनाने के लिए जो थिंग्स लगते हैं उनके भी मार्केट्स होते हैं, दुकान होते हैं, सीमेंट हो या दूसरे कोई सॉइल, उनके भी मार्केट्स होते हैं. मीन्स अलग अलग तरह के मार्केट्स यहाँ पर होते हैं. अब देखो गाँव में उसे राहट कहा जाता है. क्या राहट, क्या कहा जाता है? राहट, हाट, हाट. ओके, एंड शहर में उसे मार्केट कहा जाता है. ये वीकली, गाँव छोटा गाँव हो तो वीकली मार्केट बैठता है. मीन्स वीकली वहाँ पर सब्जियाँ लेकर लोग बैठते हैं. मीन्स इस संडे हो तो नेक्स्ट संडे में ही मार्केट उस गांव में होता है. इधर जो बीच में उन्हें सब्जी मिले तो वो पल्सेस खाते हैं. तो इतने गांव में क्या होता है कि वीकली ही मार्केट रहता है. अब देखो शहर में आपको डेली आप वेजिटेबल्स ला सकते हो, फ्रेश वेजिटेबल ला सकते हो. लेकिन गांव में ऐसे होते हैं क्या? नहीं, वीकली मार्केट. के पीपल हु डू नॉट लिव नियर बिग मार्केट बाय थिंकिंग डेली यूज फ्रॉम दिस मार्केट. अब शहर में हो तो हम डेली मार्केट्स में जाते हैं. अब देखो आप आपके गांव के पास डी मार्ट है तो आप महीने में एक दो तीन बार जाते ही है ना, घूमने के लिए जाओ, ऐसे जाते हैं और कुछ चीज़ें लाओ तो खरीद लाते. लेकिन उस गांव उसमें से जो दूर दूर गांव है वहाँ के लोग आते हैं क्या डी मार्ट में? नहीं, महीने में एक बार या दो तीन महीने में एक बार ही आते हैं और सब सामान वो लेकर जाते हैं. आप क्या करते हैं? हाँ, हमारे घर के पास है तो आप जाते हैं, है ना, ऐसा है. लेकिन दूर के गांव में उन्हें वह मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं. अब देखो हमारे यहाँ बैल बाजार है तो बैल वहाँ पर एनिमल्स की हम क्या करें, एनिमल्स मार्केट है. सॉरी, इन दिस मार्केट तो शीप, गोट, बफेलो, ऑक्स, काउ, ये सब वहाँ पर बेचते हैं, है ना. वहाँ पर कब रखता है? गुरुवार को. गुरुवार को वहाँ पर क्या रखता है? मार्केट्स. ओके, सम प्लेसेस आर फेमस फॉर देयर मार्केट्स. कुछ ऐसे मार्केट्स होते हैं वो फेमस होते हैं. फॉर एग्जांपल, कोल्हापुर इज फेमस फॉर इट्स मार्केट दैट द सेल कोल्हापुरी स्लीपर्स. कुछ मार्केट्स ऐसे फेमस होते हैं. अब देखो कोल्हापुर का एक मार्केट फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल, है ना. वो मार्केट क्या है? बहुत ही फेमस है. सावंतवाड़ी का मार्केट है, वहां पर लकड़ी के खिलौने होते हैं. Yes. लकड़ी के खिलौने होते हैं. ओके, अब देखो कालबा देवी मार्केट इन मुंबई तो वहाँ क्यों है? तो डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल दिस सेपरेट लेन ज्वेलरी है, इसलिए कलंबा की, मुंबई की जो मार्केट है वह फेमस है. वहाँ पर अलग अलग तरह की ज्वेलरीज आपको देखने को मिलेगी. ओके, नेक्स्ट वी कैन इजीली गेट देम आवर बॉडी डेली यूज फ्रॉम मार्केट. पीपल लिविंग इन प्लेसेस विच डू नॉट हैव अ डेली मार्केट मे हैव टू वेट टू बाय थिंग्स दे नीड एट अ वीकली मार्केट. दे मे आल्सो हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू बाय थिंग्स.
some people may have to go to shops in many different places for different things, market, solve the this problem. अब देखो, we can easily get from this daily market. आप डेली मार्केट से कुछ भी ला सकते हो, क्योंकि आपके पास कराड़ है, मलकापुर है, डी मार्ट है, तो उसमें से डेली आप कुछ भी ला सकते हैं. लेकिन जहाँ पर दूर दूर है कोकन में, वहाँ तो गाड़ियाँ भी नहीं जाती और 10-12 घर होते वही गाँव का है, तो वहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं होती, ट्रैवलिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती, तो उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती. तो वो क्या करके चल कर 2-3 किलोमीटर चल कर आते हैं और कोई बड़ा शहर हो तो उसमें से सब्जियाँ, घर के जो थिंग्स है वो लेकर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉयस, टॉयज, फूड, पल्सेस हो, वेजिटेबल्स हो, वो सब लेकर वो अपने अपने माथे पर ऐसे लेकर वो जाते या कैरी करके वो जाते, चल कर जाते. क्यों? तो ट्रैवल की कोई फैसिलिटी भी वहाँ पर नहीं है और वीकली मार्केट रहता है. अब देखो, मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, मैंने खुद देखा है. जहाँ पर देखो, कोकण में चापल है, पुढ़े एक गाँव है, तो त्या गावामध्ये असं डोंगराळ भागामध्ये ते गाव आहे, रामघळी त्याला म्हणतात, रामघळी म्हणून आहे. तर डोंगरामध्ये गाव आहे, डोंगराच्या असं वरती आहे, तर तिथून जायला यायला कोणतंही वाहन नाही. तिथं हे आहे फक्त, म्हणजे कधी यायचं म्हणलं तर कोण केलं तर एखादी गाडी ती दवाखान्याची, पण काही यायला जायला जसं आपल्या इथं रिक्षा वगैरे असते तसं नाही. मग ते असं डोंगरामधून चालत मोठी काठी घेऊन ते चालत येतात. का? तर येताना जंगल लागतो, म्हणजे झाडी लागतो, मग त्या झाडामधनं येताना प्राणी वगैरे आले तर त्यासाठी सेफ्टीसाठी काठी घेऊन, एका हातामध्ये काठी, एका हातामध्ये पिशवी किंवा डोक्यावरती पिशवी घेऊन ते बाजारला येतात, चापळला येतात, आणि तिथून ते आठवड्याचा बाजार सगळा घेऊन जातात. जितकी वाईट कंडिशन आहे, त्याच्यापेक्षा तुम्ही तर खूप बेटर आहात. ओके तो ऐसे ठीक है. आंसर्स आपको क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट का विद द पार्टनर रीड द गिवन पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पर एक पैसेज दिया है, उसमें से आपको क्वेश्चन और आंसर्स लिखने, आंसर्स उसके उस पैसेज में है. ओके तो कंप्लीट वन.